हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको नेक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। ये मैंने बुकरम ली हुई है और डबल करके इसकी चौड़ाई 4 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 15 इंच है। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे, तो इसकी चौड़ाई मैं 3 इंच रखूँगी। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो आप इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखें। इसके बाद हम इसकी गहराई के लिए निशान लगाएंगे, तो इसकी गहराई मैं 5.5 इंच रखूँगी, लेकिन आप इसकी गहराई 6.5 इंच तक रख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर भी 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इसके बाद हम ऊपर के हिस्से को गोलाई देंगे। गोलाई देने के बाद हम नीचे से यहाँ से करीब 1.25 इंच के आसपास एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी हम 1.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान को यहाँ से हम बिल्कुल सीधा कर देंगे। और जितनी चौड़ाई हमने यहाँ से रखी है इतनी ही चौड़ाई हम यहाँ से रखेंगे। यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इसके बाद हम यहाँ से करीब 1/2 या 1.25 इंच पर पूरे गले पर निशान लगाएंगे। और जितनी चौड़ाई हमारी यहाँ से है इतनी ही हमारे यहाँ से होनी चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर भी इस निशान को नीचे मिला देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। हमारा नेक इस तरह से आएगा। इसके बाद हम अपनी कुर्ती का कपड़ा लेते हैं और उसको बीच में से फोल्ड करते हैं और उसमें 3 इंच पर एक निशान लगाते हैं, क्योंकि हमारे गले की चौड़ाई 3 इंच है। और यहाँ पर एक कट लगाते हैं। इसके बाद हमने जो कट लगाए हैं इन कट के ऊपर हम अपने बुकरम के कॉर्नर रखते हैं और अपने बुकरम को पेस्ट कर लेते हैं। और अगर आपके बुकरम पेस्टिंग वाले नहीं है तो आप इस तरह से रखिए और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए। और इसके बाद थोड़ा बाहर बाहर से हम इसी शेप में चारों तरफ से इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम एक कट यहाँ पर लगा देते हैं और एक कट यहाँ पर लगा देते हैं। और ये कट लगाने के बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए किनारे से थोड़ा सा हटके इसके ऊपर एक सिलाई लगाते हैं। चारों तरफ से मोड़ने के बाद हम इसको बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं और इसके बीच में हम एक क्रीज बना लेंगे। और यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे और हमने ये जो क्रीज बनाई है इसके ऊपर हम चौक से निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और उसको सीधी साइड से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं और उसमें भी हम इसी तरह से बीच में एक क्रीज बना लेंगे
और इसके ऊपर भी हम सेम तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक कट लगाएंगे। इसके बाद ये दोनों कट हम एक दूसरे के ऊपर मिलाएंगे और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे। बीच में मैंने ये सिलाई लगा ली है और बीच में सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम के बिल्कुल बराबर में पूरे गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। हमारा ये जो बीच में गैप है इसमें भी हम सेम तरीके से सिलाई लगाएंगे और फिर दूसरी साइड भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। बुकरम के बराबर में सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा बाहर बाहर से इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हम पूरे गले पर बीच बीच में छोटे छोटे से कट लगाएंगे। दोनों साइड ये हमें कट लगाने हैं। हम एक कट यहाँ पर लगाएंगे और एक कट यहाँ पर ज़रूर लगाएंगे। इसके बाद हम अपने नेक को पलट लेते हैं। अगर आपके कॉर्नर नहीं निकलते हैं तो आप सुई से इस तरह से इन कॉर्नर को निकाल सकते हैं और पलटने के बाद आप चाहें तो इसके ऊपर प्रेस कर लें। इसके बाद हमारी ये जो बीच वाली पट्टी है इससे हम थोड़ी चौड़ाई में एक पट्टी काटते हैं। इससे चौड़ाई में ज़्यादा होनी चाहिए, दोनों साइड हमारी ये थोड़ी ज़्यादा पट्टी बचनी चाहिए और नीचे हमें इस तरह से छोड़ देनी है और हमारी इस पट्टी में जोड़ नहीं होना चाहिए, आपको बस ये ध्यान रखना है। और मैंने जो इस पट्टी की लंबाई रखी हुई है इससे देखिए ये तो इसके बराबर हो गई हमारी, ऐसे आएगी इससे करीब करीब ये दो गुनी ज़्यादा है, यानी इस तरह से ये देखिए ऐसे इससे डबल है। इसके बाद हम अपनी इस पट्टी को इस तरह से पलटते हैं और जहाँ पर हमारी ये पट्टी आती है वहाँ पर हम इस तरह से एक निशान लगा देंगे। हमारे ये जो निशान है यहाँ से करीब आधा इंच के आसपास हम पूरी पट्टी पर निशान लगाएंगे और वो निशान हम बिल्कुल इस तरह से सीधे ऐसे कर देंगे। आप चाहें तो आइडिया से भी ये निशान लगा सकते हैं, जितनी चौड़ाई हमारी यहाँ से है उतनी ही आप यहाँ से रखें और आप चाहें तो इंच टेप से आप इस तरह से निशान लगाते रहें और फिर इनके ऊपर सीधी लाइन खींचते जाएं। नीचे तक हमें इसी तरह से पूरी पट्टी पर ये निशान लगाने हैं। पूरी पट्टी पर हमें ऐसे निशान लगाने हैं। अब हमारा ये वाला जो निशान है इस निशान को हमें छोड़ देना है क्योंकि यहाँ तक हमारी पट्टी आएगी और ये जो हमारा निशान है यहाँ से हमें इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हम बिल्कुल बारीक बारीक इसको दबाते हैं और इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं। फिर हम यहाँ से करेंगे तो पूरी जो हमारी ये सारी लाइन है इन पे हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है बारीक बारीक कपड़ा छोड़ते हुए। ये सिलाई हमें इस तरह से लगानी है, थोड़ा थोड़ा कपड़ा हमें दबाना है। आप हर बार इसको धागे को काट कर भी ये सिलाई लगा सकते हैं इस तरह से। फिर हम आगे वाली प्लेट को फोल्ड करते हैं। देखिए इसमें मैंने प्लेटें डाल ली हैं और प्लेटें डालने का एक तरीका मैं आपको और बता रही हूँ जिससे हमारी प्लेटें बिल्कुल इक्वल डलेगी। जैसे हम निशान लगाते हैं तो निशान कई बार जब हम प्लेटें डालते हैं तो निशान हमारे कई बार सही नहीं बैठते, वो थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं। तो जैसे हमने ये प्लेट डाली है हर बार हमें मशीन हटानी है तो उससे आगे वाली प्लेट हम किस तरह से डालेंगे देखिए इस तरह से। इस प्लेट को देखते हुए हम ये अगले वाली प्लेट डालेंगे तो बिल्कुल बराबर हमारी प्लेट आएगी। देखिए जैसे हमारी ये प्लेट डली हुई है तो हम इसको बिल्कुल इस प्लेट के अकॉर्डिंग बिल्कुल इसको सीधा मोड़ते हैं और तब हम इस पर सिलाई लगाते हैं।
फिर हम अपनी मशीन हटा लेंगे और आगे वाली जो हम प्लेट डालते हैं वो इस प्लेट के अकॉर्डिंग डाल देंगे, तो ऐसे हमारी प्लेट बिल्कुल इक्वल डालेंगे। ये देखिए इस तरह से, देखिए हमें जो प्लेटें डालनी है इस पट्टी के बिल्कुल बराबर डालनी है। ये देखिए हमें यहाँ से इसको फोल्ड करना है और इस पट्टी के बराबर तक मैंने प्लेट डाली है और मैंने प्रेस करके प्लेटों की डायरेक्शन ऊपर की साइड को कर लिया, तो आप इस तरह से प्रेस कर लें। जैसे हमने अपनी प्लेटों का रुख ऊपर की साइड को रखा है तो इसी तरह से हम इनके ऊपर सिलाई लगा देंगे दोनों साइड, ताकि ये ऊपर की साइड को सिल जाए। इसके बाद हमारी वो जो पट्टी है गले के बीच वाली, उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं जो हमने निशान लगा के इधर पट्टी छोड़ी हुई थी, और ये हमारी देखिए इस तरह से पलट जाएगी इस तरह से। और जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी पट्टी ये पेस्ट हो रही है, इसको हम इस तरह से पलटते हैं, यानी ये हमारी सीधी साइड है, जो हमारी उल्टी साइड होगी यहाँ से हमारी बुकरम आराम से दिखाई दे रही है। या तो आप बुकरम के बराबर में इस तरह से सिलाई लगा लें, या फिर अगर आपको लगता है कि बुकरम दिखाई नहीं दे रही है तो आप इस तरह से फोल्ड करें और जहाँ पर हमारी बुकरम है वहाँ पर आप इस तरह से निशान लगा लें दोनों साइड में। ये मैंने इस तरह से निशान लगा ली है, और नीचे की साइड भी जहाँ पर हमारी बुकरम है वहाँ पर हमें निशान लगाना है और इनके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। हम ये जो सिलाई लगा रहे हैं आप हल्की सी बेशक इसे लाइन से इधर रखें, जब हम ये सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये सिलाई हम उल्टी साइड से लगाते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी जो प्लेटों का रुख है ये ऊपर की साइड को ही होना चाहिए, और अगर कोई आपकी प्लेट ऊपर नीचे हो जाती है यानी कि नीचे की साइड को हो जाती है तो आप पहले उसे ठीक कर लें। इसके बाद हम एक पट्टी काटते हैं और इस पट्टी की चौड़ाई करीब करीब 2.5 इंच है, इसमें से हम चकोर चकोर पीस काटते हैं। आप या तो एक लंबी सी पट्टी काट लें या आप छोटी छोटी कई पट्टी काट लें, उनमें से आप काफ़ी सारे चकोर चकोर पीस कर लें। इसके बाद हमने जो चकोर पीस किए हैं इनको हम पहले ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर ऐसे फोल्ड करेंगे, और हम इनके ऊपर यहाँ पर सिलाई लगाते चले जाएंगे। सभी पीस हमें इसी तरह से सिलना है। मैंने ये सारे पीस बना लिए हैं और इनको मैंने कटिंग करके अलग अलग कर लिया है, और इसके बाद हम अपनी ये बीच वाली पट्टी लेते हैं और हमने ये जो सिलाई लगाई है यानी ये वाली, यहाँ से यहाँ तक जो हमारी सिलाई है, तो इसके बिल्कुल बीच में हमें एक निशान लगाना है। आप इसको इंच टेप से नाप कर भी लगा सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की हम दूरी नापते हैं और जहाँ तक हमारी ये दूरी है हम वहाँ पर निशान लगा लेंगे, यहाँ तक हमारी ये दूरी है। फिर हम इंच टेप को इस तरह से बीच में से फोल्ड करते हैं और ये हमारा यहाँ पर आधा हिस्सा है, तो इस तरह से आप स्केल से भी लाइन खींच सकते हैं। इस तरह से हम इस लाइन पर रखते हुए बीच बीच में निशान लगा लेंगे और फिर बाद में हम स्केल से उन निशानों को मिला देंगे। अभी मैं ये पेंसिल से लगा रही हूँ तो आपको ढंग से दिखाई नहीं दे रहे होंगे, मैं आपको चौक से ये लाइन खींच कर दिखाऊंगी। इस तरह से फिर हम चौक से इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। इसके बाद
हम यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे और जब हम यहाँ पर आ जाएंगे तो हमने जो पट्टी तैयार की है उस पट्टी को हम यहाँ पर रखेंगे और हमारी ये जो सिलाई है इसको हमें दबाना है और हमने जो ट्रायंगल बनाए हैं उनको हम इस तरह से रखेंगे और हमारे जो ट्रायंगल की नोक है वो बिल्कुल इस बीच के निशान पर आनी चाहिए, लेकिन मुझे इनके ऊपर एक एक ट्रायंगल और लगाना है तो मैं इनको साथ के साथ लगाऊंगी इस तरह से। जितना हमें इसको बाहर रखना है उसी तरीके से हमें इसको सीलना है। आप चाहें तो जो हमने ट्रायंगल बनाए हैं इनके ऊपर रख के पहले आप इनको इस तरह से भी सील सकते हैं, तो आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं, या तो आप साथ के साथ इनमें सील लें या पहले आप इस पे रख के ये दोनों ट्रायंगल सील लें। इस तरह से हमें ये अपने ट्रायंगल रखते जाना है और हमारी ये जो ट्रायंगल की नोक है वो बिल्कुल इस बीच वाले निशान पर आनी चाहिए और थोड़ा हमें ध्यान से ये ट्रायंगल लगाने हैं। ये जो हमारे बाहर ये पट्टी दिखाई दे रही है पहले ट्रायंगल की, ये बिल्कुल इक्वल दिखाई देनी चाहिए। इस तरह से हमें रखते जाना है और लगाते जाना है। एक साइड मैंने ये ट्रायंगल लगा ली है और जो हमारी ये बीच की सिलाई है फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। और फिर दूसरी साइड भी हम सेम तरीके से बिल्कुल इनके सामने सामने हमें ट्रायंगल लगाने हैं। देखिए इस तरह से ये बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने इस तरह से आने चाहिए, तब हमें ये लगाने हैं और इस सिलाई के ऊपर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए। देखिए इतना गला हमारा तैयार हो गया है और अब हम इसके ऊपर मोती लगाएंगे। एक मोती मैंने लगा लिया है और मैं आपको ये मोती लगाकर दिखा रही हूँ। पहले हम इस ट्रायंगल के बिल्कुल कॉर्नर पर सुई निकालते हैं और इन दोनों को आपस में इस तरह से पहले हम जोड़ लेंगे। दो बार टाके लगा लेंगे हम यहाँ पर। और इसके बाद हम मोती लेंगे फिर दो तीन बार हम इसको इस पर पक्का कर देंगे। ये मोती हमारा बीच में आना चाहिए। इस तरह से नीचे तक हमें ये मोती लगाने हैं और एक एक छोटा मोती हम इनके ऊपर लगाएंगे, वो भी मैं आपको लगाकर बता रही हूँ। हम यहाँ पर सुई निकालते हैं। देखिए यहाँ मैंने सुई निकाली हुई है। इसके बाद हम इसमें मोती डालते हैं और मोती डालने के बाद हम इसको इसी तरह से दो तीन बार पक्का कर देंगे। इस तरह से और दोनों साइड हमें इसी तरह से मोती लगाने हैं बिल्कुल सामने इस तरह से। ये हमारे गले का फाइनल लुक है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा हमारा ये डिज़ाइन बना है। और पीछे का नेक इसमें सिंपल राउंड नेक बनेगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।